दल बदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई है। बता दें कि जस्टिस राजेश शंकर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबूलाल की याचिका सुनने योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा। विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गरोडिया ने बहस की है। बता दें कि बाबूलाल की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है। बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल के मामले में विधानसभा के न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी। बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं का कहना है कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। दल बदल मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत बाबूलाल मरांडी को किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज किया है, यह कहते हुए कि यह अभी मेंटेनेबल नहीं है। चूंकि यह मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में लंबित है, इसलिए इसे नहीं सुना जा सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।